दोस्तों, आज की वीडियो हम आपको बताएंगे कि मैकेनिक आरईसी के सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए जो भी प्रयोग नंबर है, प्रयोग का मतलब जो भी कार्य करने की विधि होती है, उस विधि के बारे में इस वीडियो में बताएंगे कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को विखंडित करना, कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है उसको हम किस प्रकार से अलग अलग पार्ट में विखंडित करते हैं और इसमें हमें क्या क्या टूल्स की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम आपको टूल्स के बारे में बताएंगे, फिर आपको रॉ मेटेरियल के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमारे पास डबल एज ओपन स्पैनर सेट होना चाहिए, नंबर दो रिंग स्पैनर सेट होना चाहिए, नंबर तीन रिंग बॉल पेन हैमर होना चाहिए, नंबर चार स्क्रू ड्राइवर अपने पास पूरा सेट होना चाहिए, उसके बाद कम्बिनेशन प्लायर होना चाहिए। इसमें फिर हमारे पास आता है क्या क्या रिक्वायरमेंट जो हमें फिट करना होता है, टूल्स की आवश्यकता क्या क्या होती है। इसका है नंबर एक आयल पेन, नंबर दो सॉफ्ट ब्रश, जो सॉफ्ट नॉर्मल होते, सॉफ्ट होती है जो नॉर्मल बिल्कुल कहीं पे भी क्रोच ना डाले, निशान ना करें, नंबर दो तीन कार्टन वेस्ट, कार्टन वेस्ट क्या होता है कपड़ा आवश्यकता के अनुसार। तो इसके बाद इसकी आती है कार्यविधि। कार्यविधि में क्या होता है कि सबसे पहले सर्वप्रथम सभी औजार व मापी यंत्रों को वर्क बेंच के ऊपर, सबसे पहले हमारा यही नियम होता है जिस भी कार्य को करेंगे तो उसके सबसे हमें टूल सबसे पहले एक वर्क बेंच या एक स्थान के ऊपर उचित रखना चाहिए, क्योंकि हमें जो भी काम करेंगे जिस भी टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी तुरंत हम उठाए उसको कार्य करना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद दो नंबर है, यदि कंप्रेसर का बेस एडजस्टेबल है तो इसके नट बोल्ट ढीले करें तथा कंप्रेसर और मोटर के बीच लगी बेल्ट उतार दें। नंबर तीन कंप्रेसर के माउंटिंग बोल्ट खोलें तथा इसको सर्विसिंग लाइन से अलग करके वर्क बेंच पर रखें। नंबर चार कंप्रेसर या ऑयल ड्रेन प्लग खोलकर ऑयल को ऑयल पैन में इकट्ठा रखें। नंबर पांच सभी खुलने वाले ज्वाइंट को मार्क करके तथा कंप्रेसर के सेक्शन व डिस्चार्ज सर्विसिंग वाल को खोलें। नंबर छह सिलेंडर हेड के बोल्ट खोलें, यदि वोल्टेज पर लॉक वाशर लगी है तो लॉक हटा दें। उसके बाद आता है सात नंबर के सिलेंडर हेड को उठाकर साफ जगह पर रखें। नंबर नौ आठ वाल्व बेल्ट डिस्चार्ज रोड वाल्व गाइडर्स सेक्शन रीड को खोलें वे उचित स्थान पर रखें। नंबर नौ है हमारा के क्रैंक केस के बीच लगे बोल्ट खोलने तथा सिलेंडर लॉक को सीधा पकड़कर ऊपर उठाएं। फ्लाई व्हील के सिरे पर लगे लॉक नट खोलकर इसे बाहर निकाले वे उचित स्थान पर रखें। उसके बाद आता है दस नंबर के क्रैंक शाफ्ट के कवर के नट खोले व अलग करें। नंबर ग्यारह के कंप्रेसर के क्रैंक के केस से ब्लॉक कनेक्टिंग रॉड संबंधित पिस्टन असेंबली को उठाएं, पिस्टन पिन के लॉक खोलकर इसे अलग कर दें। नंबर बारह आता है हमारा, बारह नंबर में हमें सभी भागों को उचित स्थान पर रखें, सभी का परीक्षण करें। उसके बाद आती है हमारी सावधानियां। सावधानियों में क्या होता है,